सादे बोल भी दे डांटे ठीक हो जाए, पासवान चिराग पसंद हुई है, बात तो सुनेंगे और काम करेंगे, घुमा फिरा के भाजपा के आसपास ही रहेंगे। तेजस्वी यादव साहब को पटेगा नहीं पटेगा कुछ नहीं है, बहुत सीधा है भाई। कुशवाहा हनुमान के चमारों के कोई नेता बिहार में नहीं होते, जैसे पासवान जी हैं, इंदिरा पासवान है, तो कहाँ जाना है हमको, भाजपा में आरजेडी में जदयू में और कहीं, लेकिन चिराग का जो होटल है वो तो क्या करो समर्पित है, जहाँ चिराग रहेंगे वहाँ रहेंगे। चिराग को नेता नहीं मानते हैं? नहीं बिल्कुल नहीं मानते हैं, चिराग तो किसी और नहीं मानते, अपने कार्यकर्ता ही नहीं मानते चिराग पासवान को, किसी वर्कर नहीं मानते हैं, अनु वर्कर उनको दूसरे को नेता मानता है, चमार दुसाद को वोटर साथ नेता, चिराग पासवान ग्राम पोटर दोनों है, बाकी बीचों कोई नहीं। लंबा सर्वाइवल के लिए उस जाति के साथ जुड़ना होगा, एक एक साथ कौन है, कोई भूमिहार मिलेगा आपको, कोई राजपूत मिलेगा, कोई ब्राह्मण मिलेगा, जब वोट का जो जो जनता और नेता को जोड़ने का जो माध्यम होता है मध्य लोग ऊपर एक पासवान नहीं है, तो पासवान के नाम पर कब होगा इनको। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द बिहार टॉप में, मेरा नाम उदित तारण है। देखिए जिस तरीके से चिराग पासवान की राजनीति चल रही है, ये सवाल बार बार उठता है कि चिराग किधर रहेंगे। विधानसभा चुनाव अगले साल बिहार में होने जा रहा है, अगर अपने समय सही समय पर भी हुआ, निर्धारित समय पर, तो भी अक्टूबर नवंबर तक चुनाव संपन्न हो जाएगा। बड़ी भूमिका चिराग पासवान की रहेगी बिहार में, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लोकसभा में भी उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि बार बार बीजेपी की मुखालफत कर देते हैं, बीजेपी की नीतियों पर सवाल उठाते हैं। जातीय जनगणना का मसला हो, उस पर उन्होंने राहुल गांधी का समर्थन कर दिया, वक्फ बोर्ड का मामला हो, कई ऐसे मुद्दे हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसके ऊपर, फिर क्रीमी लेयर, इन तमाम मसलों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट वीरेंद्र यादव जी हैं। सर पहले हम चिराग पर ही चर्चा कर लेते हैं। सर चिराग, क्या भविष्य का आपको राजनीति लग रहा है चिराग पासवान का, जिस तरीके का रवैया अपनाए हुए हैं, क्या लग रहा है सर, एनडीए में रहेंगे या महागठबंधन की तरफ रुख कर सकते हैं? एनडीए में ही रहेंगे। हाँ, दरअसल चिराग पासवान जी के पास 5 से 7 5 साढ़े 5 फीस वोटो का ठेकेदारी है जी, जो बिहार एक जहाँ कुछ परसेंट से सरकार बदली करती है, अगर कोई 5 फीसदी वोट ठेकेदार है तो पॉलिटिक्स बहुत महत्व रहेगा। बिल्कुल, भाजपा चाहे जैसे भी हो ऐसे लोगों को जोड़ रखती है जो बोले भी चुप भी रहे, मतलब उकसा दे बोल भी दे डांटे चुप हो जाए, पासवान चिराग पसंद हुई है, बात सुनेंगे और काम करेंगे, घुमा फिरा के भाजपा के आसपास ही रहेंगे। तेजस्वी यादव साहब को पटेगा नहीं पटेगा कुछ नहीं है, बहुत सीधे सीधा है भाई। कुशवाहा हनुमान के आज भी उसी भूमिका में है, मोदी के मोदी भूमिका में मोदी का हनुमान है, हनुमान होता है जी, तो हनुमान जी पशुआ है, जैसे बोलते बताई बैठे बैठ गया, यही करते हैं। जो भाजपा जैसे चाहती है वैसे करते हैं, करते हैं। भाजपा लगता है आज विरोध करवाना है तो विरोध करवा के लेते हैं, सपोर्ट करना है सपोर्ट लेते हैं, तो लोकसभा के बाहर जो बोल रहे हैं उसको मतलब नहीं है, और लोकसभा बोल रहे हैं पूरा रात को बोल रहे हैं भाजपा पक्ष में, कहाँ जा रहे हैं वो? तो मतलब आप कह रहे हैं सर कि जितना भी विरोध उनकी तरफ से किया गया, चाहे वक्फ बोर्ड का विरोध हो, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आरक्षण में सब कोटा लाने का था, फ्री में लेयर, वो बीजेपी के इशारे पर कर रहे हैं, उनकी अपनी पॉलिटिकल लाइफ भी कर जीना है ना। हाँ, तो हमको बीजेपी कुछ अलग ही है, कुछ अलग है, इस मुद्दे को अलग है हम ना, तो अपनी अलग पहचान के लिए अपने वोट का जो 5 फीसदी वोट है पासवानों का, जो उनका कास्ट इंटरेस्ट है उसको भी छोड़ सकते हो और भाजपा को भी छोड़ सकते हैं, तो कास्ट इंटरेस्ट और बीजेपी इंटरेस्ट दोनों के बीच में भाजपा का इंटरेस्ट भावी रहेगा, कास्ट की संतुष्टि भी महत्वपूर्ण है। हाँ, उसको विपक्ष उस माहौल को भी समझते हुए कुछ कुछ उस पक्ष में बोलना जरूरी है, तो थोड़ा सा डरा रहे हम देखो पासवान पक्ष में खड़े हैं, जाति जनगणना के पक्ष में है तो मुसलमानों के पक्ष में खड़े, वो मुद्दे पे जो लगता है कि जो मेरा वोटर है उसको कैसे खुश रखे, तो कुछ उसके लिए, लेकिन मोदी को खुश रखना ही है। हाँ, उसके लिए जो करना होगा करेंगे, इसमें नीतिगत कुछ मामला नहीं है, सिर्फ परिस्थितियां और सर और अपने राज्य हित कितना पूरा होगा हमारा, उसके लिए कर रहे नीति चीज के राज्य, और जहाँ भी जाएंगे कहीं जाएंगे नहीं, रहेंगे यहीं पे, रहेंगे यहीं पे। एक सवाल है सर, बार बार 5.5% की चर्चा कर रहे हैं, बिहार में दलितों की कुल आबादी 19% है जो जातीय जनगणना की रिपोर्ट आई है, 14% और जातियां हैं जिसमें आपको मांझी हैं, गजक हैं, चमार हैं, बहुत जातियां हैं, बैठा हैं, नट नटवार हैं, उन 14% का प्रतिनिधित्व चिराग नहीं करते हैं उनको नेता चिराग, ठेकेदार है वो, जो 100-5 जो भी है, बाकी जो ज्यादा 19% वोट बता रहे हैं ना, उस 19% वोट में 5% लगभग चमार है, 5% लगभग पासवान है जी, 10% हो गया, 10% बाकी 19 जाती है, 19 जाती है, उसमें
मुसहर कुछ बड़ी आबादी है, कुछ पासवान है, सॉरी पासी है, चौधरी, हाँ कुछ कुछ वो भी है, बाकी छोटी छोटी पार्टियां हैं, छोटे छोटे बहुत कम वोट वाले लोग हैं, बिल्कुल उनका मिला के कुल होता है। जब आधी से ज्यादा वोट का दो पार्टियों का शेयर है, उसका आधा आधा दोनों वार्ड चमार बढ़ जाते हैं, तो वोट शेयर तो दोनों का बड़ा है, तो इनका अपना अपना इंटरेस्ट है, क्योंकि चमारों का कोई नेता बिहार में नहीं है, जैसे पासवान जी है, पासवान है, तो कन्फ्यूज है चमार के कहाँ जाना है हमको, भाजपा में, आरजेडी में, जदयू में, और कहीं, लेकिन चिराग का वोटर है वो तो क्या करो समर्पित है, जहाँ चिराग रहेंगे वहां हम रहेंगे, क्योंकि चिराग रामविलास पासवान के बेटे हैं, रामविलास वर्षों उस जाति की पॉलिटिक्स करते रहे हैं, उस जाति को पहचान दी है पॉलिटिकल सोशल हर मामले में, तो सामाजिक रूप से स्ट्रॉन्ग किया उनको, आर्थिक रूप से जो आरक्षण मिला उसका अधिक बड़ा हिस्सा लाभ, क्योंकि वो पढ़ा लिखा हुआ था, रिसोर्स उसके पास में था, खासकर हिम्मत भी लड़ने की थी, सब मिला उला के और जाति स्ट्रॉन्ग हो गई, उसका फायदा रामविलास पासवान ने उनकी राजनीति की, आज वो सशक्त भी हो गए हैं, मतलब मजबूत भी हो गए हैं, तो जो जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया था वो सही था सब कोटा वाला, क्योंकि जो आया था कि भाई दलितों में अब सब कोटा लाना पड़ेगा, वैसे दलित जो संपन्न हो गए, मजबूत हो गए, आगे बढ़ गए सामाजिक तौर पर, यही कहिए कि जैसे होता है ना सर कि एक सामंत होता है, एक नौ सामंत होता है और एक शिशु सामंत होता है, तो शिशु सामंत अभी नया एक पासवान जाती, चूंकि नवादा वाला कांड भी हुआ हमने देखा, पूरे बिहार ने देखा, तो क्या लग रहा है कि चिराग पासवान जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध किए थे उसका भी हरजाना उनको भरना पड़ेगा, चूंकि जो अन्य जातियां हैं पासवान के अलावा वो आज ही बहुत पीछे हैं, अब चमार की ही बात कर रहे हैं, बहुत पीछे है पासवान से, तो पीछे नहीं है, नंबर ऑफ वोट, नंबर ऑफ शेयरिंग ऑफ पावर, सशक्तिकरण में सर, हाँ वहाँ भी कमजोर नहीं है, अच्छा आज तक चमार ज्यादा ताकतवर है इनसे, पासवान से अच्छा, वो ज्यादा मुखर नहीं है, हाँ वोकल नहीं है, मुखर है चमार, वो मुखर नहीं है, लेकिन कमतर नहीं है उससे भी, उस सामाजिक ढांचे में भी चमार दूसरा से कम नहीं है, नंबर ऑफ वोट से भी कम नहीं है, पोलिटिकल से कम नहीं है, आज बिहार में कुल 39 विधायक है, बिल्कुल एसटी आदिवासी मतलब, उसमें 13 चमार है, 13 दुसाद है, अच्छा तो कहाँ कम है भाई, मंत्री देखिए तो देखो चमार दुसाद मिला के बराबर होंगे, पोलिटिकली तो कोई अंतर नहीं है, इसलिए उसको कमतर मत कही है, नीतीश जी ने उसको अपने फेवर करने के लिए चमारों को महादलित बनाया, तो उसके लिए नौटंकी की, उससे चमारों को कष्ट जोड़ेगा, इसलिए अभियान चलाया, लेकिन आखिरकार चमार दुसाद कोई अंतर नहीं है, इसलिए ये सवाल हम इसलिए भी पूछ रहे हैं सर कि जो रिजर्व सीट होता है, मान लीजिए जैसे सलाम रिजर्व सीट है, हाजीपुर रिजर्व सीट है, समस्तीपुर रिजर्व सीट है, जमुई रिजर्व सीट है, सभी जगह पासवान प्रत्याशी ही लड़ते हैं किसी पार्टी से हो, हालांकि इस बार अर्चना रविदास लड़ी थी जमुई से, लेकिन लड़ा था तुम्हारे आपका एनडीए की तरफ से, दोनों कांग्रेस की तरफ से ना सर, हम बोल रहे हैं कि एनडीए की तरफ से, मेरा सवाल सुन लीजिए सर, एनडीए की तरफ से ज्यादा प्रेशर पासवानों को दिया जाता है, एक सीट पर ना सर, और सीट पर आप गणित देखिए, हाजीपुर से लड़ा गया, जमुई से, सब जगह तो पासवान ही लड़ रहे हैं, पार्टी क्या करना है ना, वो चमार सब क्या करेगा, मतलब उनका रिप्रेजेंटेशन है चमारों का, बिहार बिल्कुल है नहीं है, और चिराग को नेता नहीं मानते हैं, नहीं बिल्कुल मानते हैं, चिराग तो किसी और नहीं मानते, अपने कार्यकर्ता नहीं मानते, चिराग पासवान को किसी और नहीं मानते हैं, और वर्कर उनको दूसरे को नेता मानता है, चमार दुसाद को वोटर, साथ नेता चिराग पासवान बराम वोटर, दोनों है, बाकी बीच कोई नहीं है। अंतिम सवाल है सर, अगला साल जो विधानसभा चुनाव होने जा रहा है अपने समय पर ही होगा, उसमें क्या लग रहा है, यही 5% के साथ चिराग उतरेंगे मैदान में या वोट और जोड़ पाएंगे, जो कि लगे हुए जो कुछ दुकानदारी करेंगे अपने वोट की, सिर्फ और सिर्फ 5% की, चाहे यहाँ जाए वहाँ कूदे ऊपर नीचे जहाँ जाए, 5% वोट की राजनीति की करेंगे, उसी सौदेबाजी करेंगे, उसी उसको पूरी जब तक पॉलिटिक्स करेंगे 20-30 साल, उसी की राजनीति करनी है, उसको बिखराव नहीं आया उसको बांध रखे सफल रहेंगे, बिखर गया तो रामविलास पासवान ये नहीं है, लोगों का सेंटीमेंटल जो नहीं है, उनका बेटा है असर है ना भाई, कि भाई फलाना बेटा है, सहानुभूति लंबा नहीं चलेगा, तो लंबा सर्वाइवल के लिए उस जाति के साथ जुड़ना होगा, एक ही साथ कौन है, कोई भूमिहार मिलेगा आपको, कोई राशन मिलेगा, कोई ब्राह्मण मिलेगा, जब वोट का जो जो जनता और नेता को जोड़ने का जो माध्यम होता है मध्य जो ऊपर, इनका एक पासवान नहीं है, तो पासवान के नाम पर कबू पहुंच होगा इनको, तो अगर इनके नेताओं दूसरे लाइन नेताओं में सवाल ही रहेंगे तो वो दिन नहीं चलने वाले हैं, तो भाग जाएगा इनका, दूसरा छोड़ चलेगा, खाली घुमाया नेतागिरी करो, सब अधिकारियों को बिठाओ, सब मतलब आक्रोश शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो जाति आखिर नहीं बहुत ज्यादा आक्रमक हो जाएगा फट दे, लेकिन
होंगी धीरे धीरे, तो अगर राम चिराग पासवान पासवानों की पॉलिटिक्स एकदम आक्रमक ढंग से नहीं करेंगे, उनका दिखेगा नहीं कि हम आपसे खड़े हैं, तो बहुत लंबा नहीं चल पाएंगे। उनको दिखना पड़ेगा कि हम आपके साथ खड़े हैं, आपके खाने में, आपके भोज में, आपके शादी में, आपके ब्याह में, आपके हम शामिल है, तब लंबा खींचेगा। नहीं तो एक दो चुनाव बाद जो पासवान जी मरे तो डेढ़ साल हुआ है, तो आठ दस साल होते होते चिराग पासवान की कहानी खत्म हो जाएगी पॉलिटिकली। उनको सर्वाइव करना है अपनी जाति के साथ में, समाज में जुड़ना पड़ेगा। ये बीच के मध्यस्थ जो भूमिहार राज्य में बैठे हुए हैं वो बहुत दिन लगाने खींच पाएंगे उनको। तो देखिए बिहार में तो चिराग पासवान के लिए दिन इतना आसान भी नहीं होगा। अगर एक जाति पर ही वो केंद्रित रहे और उसको भी नहीं संभाल सके तो शायद कुछ आने वाले दिनों में चिराग पासवान भी लड़खड़ा सकते हैं। हालांकि फिलहाल उनकी स्थिति मजबूत है, उनकी जाति के लोग उनके साथ इंटैक्ट हैं, ये वो भी जानते हैं, ये बात बीजेपी भी जानती है। इस चर्चा में हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट वीरेंद्र यादव जुड़े हुए थे, बहुत बहुत शुक्रिया।